लेकिन विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में दृष्टि तो है साधु के पास, लेकिन कर्म इंद्रियां एक शरीर में रहती हैं। इसलिए शायद सोच के हिंदू धर्म सेना को पूज्य महापुरुषों के द्वारा बनाया गया। दीक्षांत समारोह, असल में शास्त्रों में दीक्षा शब्द देखने को मिलता है, जो भवादी प्रकरण में दीक्षित शब्द से दीक्षा शब्द बनता है। दीक्षित यानी दृष्टि। हमारे साधुओं की परंपरा में भी दीक्षा दी जाती है, दीक्षा देने के बाद तुम्हारा पीछे का सब निल हो गया है। अब आपको जो गुरु महाराज ने दीक्षा दी है और आपको जो दृष्टि दी है, आप लोगों के लिए वो कार्य सबसे पहले है, उसके बाद आपके लिए दूसरे जो अन्य कार्य हैं वो इतर वैकल्पिक हो जाते हैं। तो क्या ये जो हिंदू सेना धर्म सेना साधुओं ने बनाई है, अभी आप लोग दीक्षित हो जाओगे, विशेष अपने सनातन धर्म के लिए जीने लगोगे, तो क्या सभी लोग संकल्पित हैं कि हमारे लिए सबसे पहले धर्म होगा और उसके बाद वैकल्पिक हमारा जीवन होगा? इसके लिए तैयार हो? वैकल्पिक हमारा अन्य जीवन होगा, लेकिन मुख्य जो यहां साधुओं के द्वारा जो दृष्टि दी जाएगी, दीक्षा का मतलब क्या हुआ? दीक्षा का मतलब विशेष दृष्टि के द्वारा जीवन जीना, शास्त्र के अनुसार ये परिभाषा है। तो हमारे लिए हमको सनातन को किस तरह से मजबूत करना है, सुबह उठ के सबसे पहले ये सोचने का। इतना प्रण ले सकते हो, बाकी दूसरे काम आप लोग करते रहिए। मन की दो वृत्तियां शास्त्रों में बताई हैं। जिस तरह से एक गृहिणी, पंचदशी में अच्छा प्रकरण है वेदांत में, कि एक गृहिणी जो है घर का कार्य करती रहती है और मन से अपने पति का चिंतन करती रहती है। मन की दो स्थूला सूक्ष्म चेती, दो प्रकार की मन की वृत्तियां हैं। तो आपका जो मुख्य वृत्ति है हम लोगों की हिंदू धर्म सेना की, उसको आप अपने सनातन की परंपराओं को किस तरह से पुनर्जीवित किया जाए, उसमें स्थिर रख के आप वैकल्पिक दूसरे कार्य कर सकते हैं। हर आदमी दो प्रकार की वृत्तियां स्थूला सूक्ष्म देती, इसमें जो है शास्त्र भी प्रमाण है। दूसरी चीज, संसार में इतनी संस्कृतियां, इतने कल्चर डेवलप हुए आए और उनका सत्यानाश भी हुआ, ये सब शायद इतिहास में या देखने को पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसी क्या चीज है सनातन में कि क्या हस्ती है कि हमारी मिट्टी नहीं है कभी? विभिन्न प्रकार के आक्रांता इस देश में आए और एक एक चीज में हम लोगों को संकरो नरकाय, वो गीता में कहा है कि संकरता ये सनातन को नरक में ले जाने वाली है, और उसका मधुसूदन सरस्वती जी ने टीका में सीधा लिख दिया विनिश्चति, पहले अध्याय में है, संकरो नरकाय वो कुलग्नानाम कुलस्य च। तो सनातन का नाश तो संकरता से है, ये गीता के पहले अध्याय में है। ये सारी चीजें संसार में जो देखते देखे ज्ञान का सेंटर जो है भारत है, चाहे ईसा मसीह हो या मुस्लिम धर्म की आए, ये सब जो है अपने जीवन में भारत में ही आए ज्ञान लेने। ईसा मसीह अपने जीवन में गायब रहे कुछ साल, तो वो कश्मीर में गए थे। कश्मीर में जाके जो है जो अपने यहाँ योग इत्यादि के द्वारा प्राणों को ब्रह्मांड पे चढ़ा लेते हैं, पूरा शरीर फाइलस मार जाता है, फिर कीला ठोक दो या कुछ भी ठोक दो, योग की एक क्रिया है। तो ये सब सीखने भारत आए, तो लोगों को ये लगा कि इसमें इन लोगों को किस तरह से भ्रष्ट किया जाए, तो विभिन्न प्रकार की हम लोगों को कर्म संकर बना दिया। और खाने पीने में ये सब वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ है, जहां ओरिजिनल भी ना हो। हम लोग तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल हो कि नहीं हो, हम लोग ओरिजिनल है ना, हम लोगों को वैकल्पिक जीने की क्या जरूरत है? हमारे पास ओरिजिनल फूड है, हमारे पास ओरिजिनल गुरु महाराज है, संत समुदाय है, ओरिजिनल कर्म व्यवस्था है, हमारे पास सब कुछ है, तो हमको वैकल्पिक जीने की क्या व्यवस्था है? ये वैकल्पिक व्यवस्था सारी डाली गई ताकि ये सनातन धर्म का किसी प्रकार से मिक्सिंग हो जाए और इसका नाश हो जाए। हजारों संस्कृतियां संसार में पैदा हुई, एक तलवार के बल पे निकला तो दूसरे को, दूसरा जो है बुद्धिजीवी वर्ग आया, उसने उसको किताब बता के उसको ठंडा कर दिया, ऐसा हुआ है।
अगर एक किताब वर्ग वाला निकला तो लोगों ने तलवारों के बल पे दूसरे धर्म को जो है वहां पर खत्म कर दिया। लेकिन चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, जो चार वर्ण हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने दिए कि अगर तलवार वाला है तो हमारा क्षत्रिय वर्ग खड़ा है, अगर कोई बुद्धिजीवी ज्ञान से हमसे अगर टक्कर लेना चाहे तो हमारे यहाँ जो है ब्राह्मण वर्ग है, साधु वर्ग है, अगर कहीं धन इत्यादि की समस्या हो तो हमारे यहाँ वैश्य वर्ग है। तो श्रेया स्वधर्मो विगणा परधर्म सुनिश्चिता, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। दूसरे का धर्म हमेशा भयकारक होता है। हमारे भगवान ने हमको पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां दी हैं। जब वो अपने धर्म को नहीं बदलते हैं, अपने अपने धर्म में